जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। ललन सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि चूंकि लोकसभा 2024 का चुनाव काफी अहम है, ऐसे में मेरी दो भूमिका हो जाएगी। एक तरफ मैं खुद लोकसभा का उम्मीदवार हूं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बना रहूंगा तो मुझे इंडिया गठबंधन की तमाम जो बैठकें होगी उसमें जाना पड़ेगा, चाहे बात सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर उम्मीदवार को लेकर जो बैठकें होगी उसमें भी मुझे हिस्सा लेना होगा, शामिल होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र पर भी ध्यान देना है, वहाँ के जो चुनावी प्रचार होंगे उस पर भी ध्यान देना है, इसीलिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दीजिए, लेकिन फिलहाल खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं वह ललन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब फैसला जो है वह 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी, वहां आम सहमति बनेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। बिहार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, नए प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी एवं खड़गे बिहार में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति एवं चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही आरजेडी जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से बिहार में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर भी फीडबैक लिया। इसके अलावा गठबंधन के अन्य दलों के साथ सीट बंटवारा किस प्रकार होगा इस पर भी चर्चा हुई। शाम में 5:30 बजे पंजाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। पंजाब में राज्य स्तर के नेता नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो, लेकिन इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ लगातार ये कोशिश कर रहा है कि एक उम्मीदवार के बदले एक उम्मीदवार हो। कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज कोलकाता में बीजेपी पार्टी की तरफ से अहम बैठक किया जा रहा है और इस बैठक में यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। और कोलकाता के देखिए किस तरह से यही वेस्टर्न होटल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर एक मीटिंग हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल के 42 सीटों की रणनीति पूरी यहीं से तैयार करेगी। 35 सीटों का यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह जीतने का लक्ष्य दिए हैं और इसको लेकर यहाँ पे लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के सांसद और विधायक पहुंचे हैं उनके साथ में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं और कोलकाता पहुंचे हैं। पहले यहाँ से जाके जोड़ा साखू गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं यहाँ पे लगातार गृहमंत्री अमित शाह उन्हें यहाँ पे रणनीति बता रहे हैं कि कैसे कार्यकर्ता बंगाल में कैसे काम करें और कैसे बीजेपी के तरफ वोट बैंक को लाने की जरूरत है। तो वाकई आज की जो मीटिंग हो रही है एक अहम मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल है और बीजेपी के सांसद और यहाँ पे विधायक भी शामिल है। तो कह सकते हैं कि आज की मीटिंग से एक अहम बीजेपी की तरफ मैसेज आएगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आज की मीटिंग जान फूंकने का काम करेगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पार्टी के प्रदेश कार्यालय से जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च को निकले थे। जैसे ही लोकदल के कार्यकर्ता जीपीओ की तरफ बढ़े वैसे ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। काफी देर तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही। लोकदल कार्यकर्ता गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान, आलू किसानों की समस्या और पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर पैदल मार्च कर रहे थे। लोकदल का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी जमकर की। हालांकि लोकदल पार्टी कार्यालय से निकलते हुए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबित सांसद सुप्रिया सुले अब सड़क पर उतरने वाली हैं। सुप्रिया सुले कल यानी 27 दिसंबर से किसान जन आक्रोश मोर्चा निकाल रही हैं, जो 30 दिसंबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के शिवनेरी से होगा। सुप्रिया सुले का कहना है कि इस समय देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, सरकार चर्चा से भाग रही है। मैं और जो मेरे सहयोगी हैं अमोल कोल्हे, हम लोग किसानों के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, क्योंकि इस समय जो प्याज है या
दूध हो या फिर सोयाबीन हो, किसी का भी अच्छा रेट किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान है, लेकिन ये सरकार का तानाशाही रवैया है। सरकार चर्चा से भाग रही है, इसीलिए हम लोगों को निलंबित किया गया। अब हम सड़क पर उतरेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मोर्चे में जुड़ना चाहिए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, News24 मुंबई। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता और पार्टी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें इंडिया गठबंधन में नहीं लेना चाहती। अगर ऐसा हुआ तो प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। उधर शरद पवार ने कहा है कि उनकी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रकाश अंबेडकर को लेकर बातचीत हो चुकी है और प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। वही अब प्रकाश अंबेडकर ने भी कांग्रेस पार्टी को सीधा इशारा दिया है कि अगले दो दिन में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर फैसला नहीं लेती तो वो 48 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके अलावा आज छत्रपति संभाजी नगर में प्रकाश अंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 23 लोकसभा सीटों के नामों पर अब फाइनल मुहर वहां पर लगाई जाएगी। अगर कांग्रेस ने दो दिन में जवाब नहीं दिया तो इन नामों की घोषणा भी 48 घंटे बाद की जाएगी। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, News24 मुंबई। हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर अक्सर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया। इसके बाद उनके इस बयान पर विवाद तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने एक आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। इस विवादित बयान के बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य निशाने पर आ गए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, News24। बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की कुर्बानी को याद करते हुए देश आज वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत हुए और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उनकी याद में कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, साहिबजादे भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। बता दें कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम कबूल नहीं करने की वजह से जिंदा दीवार में चुना दिया गया था, जिसकी याद में पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया था। पीएम ने कहा, इस साल अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहिबजादों के बारे में पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनकी महान कामों से सीखेगी। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा जाकर के मत्था टेका। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, News24 दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भले ही यह बात कह दी है कि पुरानी सरकार की किसी भी योजनाओं को वे बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनके इस बयान के 24 घंटे से भी कम वक्त में एक ऐसा फरमान सामने आ गया जिसने 5000 से ज्यादा बेरोजगार युवकों की नौकरियां छीन ली। दरअसल राजीव गांधी प्रेरक मित्रों को पुरानी सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था। इन्हें 15000 रुपए का वेतन स्टार्टिंग में दिया जा रहा था। संविदा पर भर्ती थे जिन्हें 32000 से ज्यादा का वेतन परमानेंट होने के बाद मिलना था, लेकिन अब इन सबको हटा दिया गया है। और जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर को इनकी सेवा का आखिरी दिन होगा। फिलहाल तो जिस तरह से राजीव गांधी प्रेरक मित्रों के नियुक्ति को रद्द करने का सरकार की ओर से फरमान जारी किया गया, उसके बाद विपक्ष का यह कहना है कि यदि राजीव गांधी के नाम से उन्हें इतनी ही एलर्जी है तो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित बीजेपी के किसी भी नेता के नाम पर इस योजना को शुरू कर सके। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, News24।
डेरा की गली के जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन शत्रुनाश। ऑपरेशन का आज छठा दिन है। हम इस समय मौजूद हैं डेरा की गली इलाके में। ये वही जगह है जिस जगह पर सुरक्षा बल आतंक की तलाश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जंगल में जो नेचुरल केव बनी हुई है, यानी ये वो हाइडआउट्स हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बचने के लिए। लेकिन आतंकी इन जंगलों में इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो अपना हथियार गोला बारूद रखते हैं, वो खाने पीने का सामान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर खतरा कदम कदम पर है। राजौरी पुंछ के जंगलों में करीब 28 से 30 आतंकी जो है वो मौजूद है। वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं और वो इन्हीं जंगलों का फायदा उठा रहे हैं। आतंकियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24, डेरा की गली। भारतीय नौसेना का कमर्शियल जहाज MUKM प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले के बाद अब उसकी जांच शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले व्यापारिक जहाज MUKM प्लूटो के मुंबई पहुंचने पर उसका निरीक्षण किया है। नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि हमले वाली जगह और जहाज पर पाए गए मलबे का विश्लेषण करने पर ड्रोन हमले का साक्ष्य मिला है और सभी तरह के सबूत पता लगाए जा रहे हैं और आगे फॉरेंसिक और तकनीकी जांच भी की जाएगी। भारतीय नौसेना ने News 24 को जानकारी देते हुए कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हाल में हमले के बाद नौसेना के क्षेत्र में अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए युद्ध पर INS गुरुगांव, INS कोची और INS कोलकाता को तैनात किया गया है। इसके अलावा लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान P-8I को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि अरब सागर में लगातार भारतीय नौसेना की तरफ से पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है और यह भी पता किया जा रहा है कि जो ड्रोन हमला हुआ था उसका मकसद क्या था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, News 24, दिल्ली। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई है। विलासक युद्धपोत INS इम्फाल आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS इम्फाल को भारत के नौसेना में के बेड़े में शामिल किया गया। इस युद्धपोत की बात कर ले तो INS इम्फाल की जो लंबाई है वो 164 मीटर इसकी लंबाई है और इसका जो वजन है वो करीब करीब 7,400 टन के आसपास है। इसके अंदर जमीन से हवा पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से पूरी तरह से लैस होगा। इसके अंदर रडार सिस्टम जो है वो पूरी तरह से लगाया गया है। इसके अलावा पानी के अंदर सबमरीन को निशाना बनाने वाले मिसाइल भी लैस की गई है। इसके निर्माण में जो 75% हिस्सा है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों की माने तो अब तक भारत में बने युद्ध पोतों में से INS इम्फाल जो है वो सबसे बेहतर है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राहुल पांडे, News 24, मुंबई। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक पहले अगले 30 दिसंबर को भारतीय रेल श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का शुभारम्भ करने वाला है। नए तेबर और नए कलेबर में भगवान राम और उनकी विरासत से जुड़ी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 30 दिसंबर को ही भारत में 6 नए वंदे भारत ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाकर नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों से रवाना करेंगे, जिसमें अयोध्या स्टेशन से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए प्रतिदिन सुबह वंदे भारत चलेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लिहाजा उसके पहले भारतीय रेलवे और खासकर उत्तर भारतीय रेलवे की तरफ से तकरीबन 35 से 40 गाड़ियां चलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन भरत के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24, दिल्ली। रामनगरी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 किलोमीटर लंबा रोड शो रूट तय। आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे, जिसका रूट निर्धारित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के लिए PWD ने बैरिकेडिंग के लिए सहायक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई है। प्रधानमंत्री मुख्य गेट से ना होकर के एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकलेंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से NH 27 होते हुए धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे। लगभग
15 किलोमीटर का होगा रोड शो। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्रांत का महोत्सव में प्रज्वलित होगी भव्य और विशाल 108 फीट की अगरबत्ती। रामलला की स्थापना के लिए अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए न सिर्फ अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज सज रही है, बल्कि देश के हर कोने से इस भव्य अवसर के लिए कुछ न कुछ तैयारियां की जा रही है। अहमदाबाद में मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाले ध्वज दंड के बाद अब वडोदरा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई गई है। भगवान राम के भव्य मंदिर में समर्पित की जाने वाली इस 108 फीट लंबी अगरबत्ती का वजन 3500 किलो है। इसे तैयार करने में लगभग 6 महीने का समय लगा है। बनाने की लागत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक है। ये विशाल अगरबत्ती एक बार जलने पर 1.5 महीने तक जलती रहेगी। प्रभु श्री राम मंदिर के प्रांगण में प्रज्वलित होने वाली इस अगरबत्ती की खुशबू से न सिर्फ राम मंदिर बल्कि आसपास के 15 किलोमीटर का विस्तार महक उठेगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में रोका गया विमान आखिरकार 4 दिनों बाद मंगलवार तड़के मुंबई पहुंचा। इस विमान में 276 यात्री सवार थे जो मुंबई पहुंचे। मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस के अधिकारियों ने इस विमान को पेरिस के पास एक हवाई अड्डे पर रोक कर रखा था। रोमानिया चार्टर्ड कंपनी लीजेंड एयरलाइंस से संबंधित एयरबस A340 ने 23 दिसंबर को संयुक्त अरब इमारात के दुबई से 303 यात्रियों को लेकर निकारागुआ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इस फ्लाइट को मानव तस्करी के संदेह में गुरुवार को पेरिस से 150 किलोमीटर पूर्व में वेटरी एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। भारत को विमान में सवार लोगों तक पहुंचने के लिए काउंसलर एक्सेस दिया गया था। अधिकारी जांच करने और यात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए मौके पर पहुंचे हुए थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। दिसंबर के खत्म होते ही दिल्ली NCR समेत अलग अलग राज्यों में घने कोहरे का चादर दिखाई देना शुरू हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 26 तारीख से 28 तारीख तक घना कोहरा बना रहेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर इस वक्त घना कोहरा दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली NCR की अगर जांच की जाए तो दिल्ली NCR में विजिबिलिटी जो थी वो काफी कम हो गई थी, जीरो विजिबिलिटी थी। साथ ही साथ बाकी राज्यों में 500 मीटर तक विजिबिलिटी बनी रही और कई घंटों तक घना कोहरा छाया रहा। हालांकि तापमान की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का ये कहना है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो अभी सामान्य से ऊपर चल रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आने वाली 1 तारीख तक घने कोहरे की वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कश्मीर घाटी में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि खून को जमा देने वाली सर्दी में अब लगातार आज दूसरे दिन धुंध काफी ज्यादा देखी जा रही है। तापमान लगातार पूरी कश्मीर घाटी में 0 से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्रीनगर में आज बीती रात तापमान -3 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया, वही सबसे कम कश्मीर घाटी में तापमान -4.7 पहलगाम दक्षिणी कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया। ठंड काफी ज्यादा चल रही है, लगातार दिसंबर के महीने में हम देख रहे हैं कि ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का कहर और बढ़ने वाला है और साथ ही साथ जो धुंध फॉगी कंडीशंस है ये भी लगातार यहाँ पर आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक बढ़ने वाली है, जिसके चलते लोगों को फिलहाल कोई भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन मुजम रशीद के साथ आशीष ऑप्शन नगर। अब हरियाणा और हिमाचल में सर्दी ने लोगों को अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया और यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में भारी धुंध भी पड़ रही है, जिसके कारण जो आम जनजीवन है उसके ऊपर काफ़ी असर भी पड़ रहा है। और यदि बात पहाड़ों की जाए तो इस समय पहाड़ों की रानी शिमला नए साल के लिए बिल्कुल सजकर तैयार है और यही कारण है कि शिमला के रिज मैदान के ऊपर
विंटर कार्निवल चल रहा है, जहां पर हजारों की तादाद में जो सैलानी है उन्होंने शिमला का रुख किया हुआ है। पहाड़ों में ज़्यादातर जो होटल हैं या रिसोर्ट हैं वहां पर भी जो बुकिंग है बिल्कुल फुल हो चुकी है और कमरे अभी भी मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सैलानियों को आशा है कि नए साल के ऊपर बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए वे नए साल को खुशामदीद बोलेंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज 24, चंडीगढ़। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पंजाब सरकार अलर्ट दिख रही है। पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह लगातार पंजाब सरकार के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण करते हुए कहा कि राज्य में कोविड के नए वेरियंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन के तौर पर वह स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो कर रही है। वहीं डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि अगर कोविड के नए वेरिएंट के मरीज आते हैं तो इस संबंध में पूरी व्यवस्था जो है वो कर ली गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि WHO की तरफ से सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा गया है, इसलिए सरकार सतर्क है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर या किसी अन्य कारण स्टेरॉइड जैसी दवाइयां जो हैं वो ले रहे हैं, या सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में या जगहों पर जाने से बचें। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज 24। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। राज्य में सोमवार को 1162 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 52 लोगों की टेस्टिंग हुई और उसमें 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह मुंबई का पॉजिटिविटी रेट जो है 10.4 हो गया है, यानी कि राज्य के पॉजिटिविटी रेट से काफी अधिक है, जो कि प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो ले लें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जैसे मॉल थिएटर में जाते हैं तो मास्क जरूर पहने। डॉक्टरों का यहां तक कहना है कि अगर किसी को खांसी जुखाम या बुखार हुआ है तो उसको मास्क जरूर पहनना चाहिए। वहीं सिंधे सरकार के एक मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, 24, मुंबई। बिहार में तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिसकर्मियों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर कई जिलों तक हालत यह है कि लगातार छापेमारी करने जा रही है पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं तो कई की जाने भी जा रही है। ताजा मामला बिहार के कटिहार जिले का है, जहां वन विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम एक आरा मशीन को सील करने पहुंची थी, लेकिन वहां पे वन माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन घटनाओं के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्ती बरतने का आदेश दिया था और यह भी कहा था कि पुलिसकर्मियों पे हमले के मामले में जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दी जाएगी, ताकि पुलिसकर्मियों पे हमले की घटनाएं रुकें। लेकिन इसके बावजूद अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार पुलिस वालों पर हमले भी हो रहे हैं। बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय भी गंभीर बना हुआ है। पनडुब्बी दिखाएगी समंदर में डूबी हुई पौराणिक द्वारका। आप सब जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई पौराणिक द्वारका नगरी समंदर में डूब गई थी, और जिसके अवशेषों और उसके रहस्यों को जानने के बारे में शोधकर्ताओं और आम लोगों के बीच हमेशा से ही जिज्ञासा बनी रही। अब जल्द ही ये जिज्ञासा शांत हो पाएगी, क्योंकि गुजरात सरकार अब पनडुब्बी के जरिए समंदर में डूबी द्वारका के दर्शन करवाएगी। जलमग्न द्वारका के दर्शन के लिए पनडुब्बी सैलानियों को अरब सागर में 300 फीट नीचे लेकर जाएगी और द्वारका नगरी के अवशेषों को दिखाएगी। 2 घंटे की इस दर्शन यात्रा के लिए गुजरात सरकार ने एक कंपनी के साथ करार किया है। इस पनडुब्बी में 6 क्रू सदस्यों के साथ 24 पर्यटक यात्रा पर जा सकेंगे। इसका कुल वजन 35 टन होगा। पनडुब्बी परियोजना और बेट द्वारका के कुल निर्माण से जाहिर सी बात है कि पर्यटकों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24।